जो है किस प्रयोजन को लेके हुई है यहाँ पर? दरअसल मैं साढ़ोरा नगर पालिका CMO अध्यक्ष जी तहसीलदार साहब प्रशासन से बात करने आया था कि साढ़ोरा के लिए हम एक शहर बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, तो आज जो निर्णय हुए उनमें सबसे पहले तो चूंकि हम हमारी मंशा है कि दीपावली जो आ रही है उसके पहले शहर रोशन हो, स्ट्रीट लाइट शहर में लगाई जाए पूरी, तो उसमें अध्यक्ष जी CMO साहब ये सहमत हैं कि हम जल्दी से जल्दी उसकी सारी जो लीगल प्रोसेस है करके टेंडर जारी कर रहे हैं जल्दी से जल्दी, और दिवाली के पहले शहर में स्ट्रीट लाइट हम लगा देंगे 100%। इसके अलावा शहर में एक सुंदर, हम जानते हैं हनुमान जी की टेकरी एक सुंदर स्थान है, तो वहाँ कुछ काम चले हुए हैं सौंदर्यीकरण के लिए, लेकिन जो शहर की तरफ से जीना की कमी का महसूस की जा रही थी, तो अध्यक्ष जी की विशेष मंशा है कि हनुमान टेकरी पर शानदार एक जीना, बहुत सुंदर जीना होना चाहिए जो हमारी टेकरी की भव्यता को बढ़ाए, तो वो निर्णय लिया है कि वो जीना शीघ्र से शीघ्र उसका टेंडर लगा के वो जीना हम दिवाली तक ये दोनों काम तो हम चाह रहे हैं पूर्ण हो जाएं। इसके अलावा यहाँ पे एक धर्मेंद्र सरोवर है, तो उसके सौंदर्यीकरण की योजना है, DPR पे काम चल रहा है, तो उसमें भी हम जल्दी से जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि शहर में एक अति सुंदर जगह हो जहाँ हमारे परिजन जाके कभी सुकून से बैठ सकें 10 मिनट, वहाँ एक सुंदर पार्क का निर्माण और उसके पूरे तालाब का स्वरूप बदलेंगे हम, सुंदर तालाब बनाएंगे, तो ये शहर के लिए फिलहाल हम ये निर्णय लिए। और दूसरा एक सबसे बड़ा जो आज महत्वपूर्ण बात ये है कि प्रधानमंत्री आवास कई ऐसी बस्तियां साढ़ोरा में कि जिनके पास कोई वो कच्चे मकान बना के रह रहे हैं गरीब लोग, लेकिन उनके पास कोई स्वामित्व का पेपर नहीं है, तो वो जब प्रधानमंत्री आवास के लिए और सर्वे कराते हैं तो उनके जो मकान बने वो शासकीय भूमि पर हैं जहाँ शासकीय दर्ज है, इस वजह से उनको प्रधानमंत्री आवास नहीं दिए जा पा रहे थे, लेकिन हमारी जिला प्रशासन के साथ बैठ के चर्चा हो गई है और ये निर्णय ले लिया गया है कि जिनको भी इस वजह से प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पा रहे थे, उनके जो अभी कच्चा मकान बना है उस शासकीय भूमि में है, उन सारे लोगों को शीघ्र अति शीघ्र प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए जाएंगे, और इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी और CMO साहब तहसीलदार साहब ये संयुक्त रूप से अगले 7 दिन में ऐसी सारी लोगों को चिन्हित करके जगह के जहाँ शासकीय भूमि है और वहाँ पे लोग मकान बना के रह रहे हैं वो चिन्हित करेंगे ये, और उन सारे लोगों को हमारा प्रयास होगा कि इसी माह DPR में उन सब के नाम शामिल करके उन सब लोगों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए जाएंगे, तो ये एक सबसे बड़ा निर्णय हमने जिला प्रशासन के साथ बैठ के लिया है, तो इसके लिए मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन को, कलेक्टर महोदय को, तहसीलदार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये साढ़ोरा शहर के गरीब लोगों की बहुत बड़ी मांग थी जिसकी वजह से परेशान हो रहे थे, तो फिलहाल हम लोगों ने ये निर्णय लिए, और आप विश्वास रखें कि जो आप लोगों ने ये परिषद बनाई, हमारे अध्यक्ष जी अशोक मावर जी और पूरे परिषद के सभी साथी, निश्चित रूप से साढ़ोरा का हम लोग स्वरूप बदलेंगे और एक सुंदर शहर के रूप में साढ़ोरा को हम जल्दी से जल्दी देखेंगे। पेयजल के लिए भी कोई अभी योजना बनाई है? हाँ, एक पेयजल के लिए भी हमने 1,42,00,000 रुपये की योजना बनाई है, जिसमें एक अतिरिक्त वाटर टैंक बनेगा टंकी, और उससे जो है 300 नल कनेक्शन दिए जाएंगे, और उस टंकी को जोड़ने के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन कनेक्ट करा जाएगा उस टंकी को, और जिससे वो भी चूँकि शीघ्र ही वो प्रोसेस में है, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी उसको भी हम प्रगति उसको देखने मिलेगी, और ये शहर की एक पेयजल की समस्या का भी निदान होगा, शहर सुंदर भी बनेगा, सड़कें भी बनेंगी, लाइट भी होगी, और टेकरी सरकार को भव्य एक स्वरूप प्रदान करेंगे, तो ये प्रयास है सब लोग।